नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। ग्रहण 21 जनवरी को पड़ने वाला है और इस ग्रहण में आप सभी को पता है किस प्रकार से जीवन को बिताना है, आपको किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करनी है, कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। हमेशा हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें अपनी राशि के अनुसार कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गलत वस्तुओं का दान कर देते हैं और पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही इन वस्तुओं को खरीद कर रख लेना चाहिए, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उसके अनुसार, और ग्रहण काल के बाद इन वस्तुओं को स्पर्श करके किसी धर्म स्थान, मंदिर या गरीबों में दे देना चाहिए, ताकि आपके ऊपर से ग्रहण का प्रभाव हट जाए। तो ध्यान से सुनिए अपनी राशि के बारे में क्या कहती है आपकी राशि, कौन सी राशि के लिए क्या दान बढ़िया रहेगा। मेष राशि, हरी वस्तुओं का, हरे अन्न का दान अवश्य करें। वृषभ राशि, लाल फल का दान करें। मिथुन राशि, सफेद वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि, काली वस्तुओं का दान करें। सिंह राशि, जूते चप्पल या छाते का दान करें। कन्या राशि, अन्न का दान करें। तुला राशि, काली व सफेद वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि, गरीबों के लिए फल का दान करें। धनु राशि, सफेद वस्तुओं का दान करें। मकर राशि, लाल फलों का दान करें। कुंभ राशि, गरीबों को भोजन कराएं। मीन राशि, केले का दान करें। आप या तो ग्रहण प्रारंभ होने से पहले या सामग्री खरीद लें और अपने हाथों से स्पर्श कर धर्म स्थान में अवश्य दान कर दें, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वह विशेष करके दान पुण्य करें, ताकि उनका शिशु और वह स्वयं भी सुरक्षित रह सकें। तो उम्मीद करता हूं बहुत छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपको पसंद आई होगी, और मित्रों तक और अपनी गर्भवती महिलाओं तक शेयर करें, या फिर परिवार में कोई गर्भवती महिला है, आसपास कोई गर्भवती महिला है तो उनको जानकारी आप अवश्य दे दें या वीडियो अवश्य दिखा दें, ताकि वह जान सकें उनकी राशि के अनुसार उन्हें क्या कुछ दान करना शुभ रहेगा। हरिओम, नमस्कार।